और सब भूलते जाना है अपनी दिल से पूछना है कि हमारे दिल सिवाय बाप के और कहाँ भटकती तो नहीं है कहीं धंधे धोरी में या घर गृहस्थ मित्र संबंधियों आदि तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है अंतर्मुखी होकर जांच करनी है यही तो कहा ना भी सार में धंधाधोरी घर गृहस्थ मित्र संबंधी इनकी तरफ बुद्धि तो जाती नहीं यही तो चेक करना है आज के रोरियान में आज के लेटर में कि हमारी बुद्धि कहाँ जाती है चेक करो आज भी नौकरी धंधे में अटका है बुद्धि कहाँ जाएगी आज भी घर गृहस्थ में फंसा हुआ है बुद्धि और कहाँ जाएगी आज भी मित्र संबंधियों का संग कर रहा है बुद्धि कहाँ जाएगी परमात्मा की तरफ पॉसिबल नहीं बच्चे तूने इतना बड़ा जो संसार बना के रखा है तेरे बुद्धि को और कुछ दिखता ही नहीं इसके अलावा यह खत्म हुआ कि वो, वो खत्म हुआ कि वो इसमें से कई मुश्किल से समय मिलेगा तब तू कहेगा जरा पांच मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, वाह क्या बुद्धि है समझ है जो सांसे चला रहा है जिसने प्राण दिए हैं उसको पाँच मिनट याद कर रहा है और जो प्राण लेने वाले हैं उनके साथ आनंद मना आ रहा है वाह क्या ड्रामा है भाई वंडरफुल ड्रामा है मज़ेदार बच्चे संभल कर रहना अपनी बुद्धि को देखना अपनी बुद्धि को समझ की बात है तुझे बड़ा शौक है ना बच्चे धंधा धोरी करने का तो अगर अंत तक उस धंधे धोरी से नहीं छूट पाया तो ड्रामा ने तेरे आधे कल्प में माथे पर पूरा आधा कल्प तेरे माथे पर वही धंधा नहीं रख दिया ना तो मैं हार गया आधा कल्प वही धंधा करने वाला बनेगा आधा कल्प तुझे नौकरी बड़ी पसंद है ना? परमात्मा कह रहा है मुक्त तो हो जाओ तुझे नौकर नहीं बनाया ड्रामा ने तेरे कर्मों ने तो मैं हार गया तुझे घर गृहस्थ में बड़ा आनंद आ रहा है ना जिनके साथ आनंद आ रहा है ना, तैयार रहना तैयार रहना बड़ा प्यार है ना तुझे उन सभी से बाबा के हिसाब से दस से बारह से पंद्रह जन्म उन्हीं आत्माओं के साथ तैयार रहना बड़ा स्नेह है ना तुझे उनसे फिर वो जहाँ जाएंगे वहां तुम मित्र संबंधियों से बड़ा प्यार है वो मित्र संबंधी जहाँ वहां तू चाचा मामा काका बड़ा स्नेह है परमात्मा छोड़कर वो जहां वहां तू वो दुर्गति में तो तेरी भी सदगति होने के बजाय दुर्गति क्योंकि परमात्मा के लिए तू त्याग नहीं पाया यह है पहली बात दूसरी बात भी बाकी है बच्चे ध्यान में रखना जो पिछली बार भी कही जो धंधा तू परमात्मा के लिए नहीं छोड़ पाया जीवन में कभी तू बिजनेस नहीं कर पाएगा पूरे कल्प में तुझे भिकारियों की नौकरी ही करनी पड़ेगी जो नौकरी तू परमात्मा के लिए नहीं छोड़ पाया तुझे नौकरी नहीं मिलेगी एक दूसरे से मांगना पड़ेगा घर गृहस्थ घर बड़ा प्यारा है गृहस्थ में बड़ा आनंद आ रहा है ना, तैयार रहना रहने के लिए अच्छा घर मिला तो नसीब समझना जिनके साथ चल रहा है ना, वो गृहस्थ बड़े आनंद से वो मिला तो नसीब समझना परमात्मा के लिए नहीं त्याग रहा है ना बी मित्र संबंधी उनके संग में तुझे आनंद आ रहा है ना मित्र संबंधी मिले तो नसीब समझना बच्चे वरना अकेला रहना पड़ेगा तैयार रहना हर रूप से बच्चे तैयार रहना बच्चे ये लिख के लेना मुझसे इस संसार में इस अंतिम जन्म में तू जो नहीं त्याग पाएगा वो सुख तुझे कभी नहीं मिलेगा पूरे कल्प में कभी नहीं मिलेगा कितना भी प्रयास कर लिख के रखना जो सुख तू नहीं त्याग पाएगा वो सुख तेरा सदा के लिए ड्रामा छीन लेगा दिया किसने अब कौन कह रहा है त्यागो त्यागना नहीं होता अभी भी भोगना है कारण दे रहा है ड्रामा बैठा है तुझे भी कारण देगा कि इस वजह से आपको अगले कल्प में यह सुख नहीं दिया जा रहा है तैयार रहना समझ है बच्चे बहुत वंडरफुल खेल है, है संभल कर रहना संभल कर बड़ा संभल कर बाकी तेरी अपनी मर्जी तुझे जो अच्छा लगे कर जो अच्छा लगे